याश तूफान को लेकर डीएम के आदेश पर जिला आपदा पदाधिकारी के कार्यालय में 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कर्मियों को तैनात कर दिया गया, लेकिन यहां कंट्रोल रूम में ड्यूटी करते हुए एक भी कर्मी नहीं दिखे। जब दिन के उजाले में कंट्रोल रूम में कर्मी अपना ड्यूटी नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो साहब रात को ड्यूटी क्या कर पाएंगे। दरअसल यास चक्रवात तूफान को लेकर बिहार अलर्ट पर है। कैमूर जिला में भी यास तूफान का असर देखा जा रहा है। बारिश, आंधी, आकाशीय बिजली को लेकर जिला को अलर्ट पर रखा गया है। डीएम नवदीप शुक्ला के आदेश पर यास तूफान को लेकर आपदा से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे कर्मी तैनात रहेंगे। पर डीएम के आदेश के बाद भी आपदा कर्मी लापरवाह दिखे, कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर नहीं दिखे। जब दिन में कर्मी नहीं तैनात है तो रात का कौन बात करे। काफी देर के बाद आपदा जिला प्रभारी पदाधिकारी प्रभात कुमार झा ने सफाई दिया कि आपदा का कैमूर में कोई खास असर नहीं है, पर कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू है, भले ही कर्मी कंट्रोल रूम में ना रहे। अभी तक हमारे यहाँ जो आपदा नियंत्रण कक्ष है, आपदा राहत संचालन केंद्र, उस पर कोई अपडेट अभी हर एक घंटे घंटे पर हम लोग ले रहे हैं, लगातार पब्लिक से भी फीडबैक ले रहे हैं, सीओ लोगों से ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ जिला में नहीं घटी है सौभाग्य से। बिजली विभाग से भी हम लोग पूछे हैं तो कहीं 11 के वी या 33 के वी का उसका शटडाउन नहीं हुआ है, ना ही कहीं पर किसी हाउस डैमेज की सूचना है, ना ही किसी व्यक्ति की मरने की सूचना है, और ना ही हमारे यहाँ किसी नदी में जल स्तर का बढ़ाव हुआ है, वृद्धि हुई है, और ना ही उसके चलते लोगों को विस्थापित करने की नौबत आई है। इस तरह जो यास तूफान का जो था सो हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं डीएम साहब के निर्देश पर, और सब जगह अभी ठीक चल रहा है, अभी कहीं कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आया, एडवर्स रिपोर्ट नहीं आया। सर, आपदा नियंत्रण कक्ष में कितने लोग की उपस्थिति थी? जो यहाँ पर हमेशा मेरा आपदा नियंत्रण कक्ष है 0618922080 इसका नंबर है, 24x7 ये चल रहा है पिछले 10 दिन से, और आगे भी चलता रहेगा जब तक ये आपदा का समय रहेगा। यहाँ पर तीन पाली में हमारे यहाँ कर्मी बैठते हैं, 8-8 घंटे की उनकी ड्यूटी रहती है।